सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एशर्ड और आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू गेम प्ले में। गाइस तो देखो, आज के इस गेम प्ले में आपका भाई लेके आया भाई बेहद खतरनाक मोड, ठीक है, जो कि भाई आने वाला है 5 तारीख को। ये है मैट्रिक्स इवेंट या फिर बोल लो भाई पावर आर्मर। तो गाइस देखो, आज के इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है क्योंकि आज के इस गेम प्ले में हम बनाने वाले भाई अपना रोबोट और उसे भाई पूरा भी उड़ा के दिखाएंगे। बिल्कुल इस बार पक्का उड़ाएंगे। पिछले 2 पार्ट में भाई उड़ नहीं पाया था, वो काफी इशू हो रहा था, वो इशू आपको बताऊंगा। और क्या गोली की तरह जा रहा भाई, मतलब जहर भाई, मजा आ गया भाई काफी खतरनाक। एंड में आपको बताऊंगी आपको शीशे किस तरह तोड़ने फोड़ने और भाई दम लगा के सर फोड़ देना इनका। और बाद में देखेंगे भाई कि ये ड्रॉप भाई आखिर कैसा है, ये क्या खतरनाक ड्रॉप है, इसके अंदर बहुत काफी खतरनाक चीज मिलती है। और एंडिंग देखो तुम भाई, देखो किल देख रहे हो, क्या गजब का किल है। सो गाइस अब देखो, बिना किसी देरी के सीधे गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं, 50 बंदों को ही टिकट दिया गया है भाई, मतलब काफी सस्ता पैसेंजर वाला है भाई प्लेन। और हम उतरने वाले हैं भाई इस पीले पीले जगह पे, ठीक है, ये जो येलो 2 मार्क लग रहे, तो ये रैंडमली कहीं पे भी मिल सकते हैं आपको फिलहाल इस मैप में यहाँ पे। तो यहाँ पे चल के देखते हैं भाई क्या है। तो यार देखो, जैसे ही आप यहाँ पे उतरोगे तो यहाँ पे नीला नीला दरवाजा है, दरवाजा नहीं ड्रॉप है भाई, इसे खोलते हैं, इसके अंदर जन्नत है, मतलब जन्नत जानते हो ना, मतलब इतनी बड़ी जन्नत भी नहीं भाई, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। पर जैसे खोलोगे तो क्रिस्टल से ब्लू प्रिंट है और भाई फ्लेयर गन है, तो फ्लेयर गन को तो हम तान देते हैं आसमान में, वो चली गई भाई बहुत तेजी से, ताना रहा है बिल्कुल पतंग तन गई। सो गाइस अब थोड़ा सा लूट करके देखते हैं कि भाई लूट कैसी मिलती है। लूट तो मतलब ठीक ठाक मिल जाएगी आपको डेफिनेटली जब ये मोड आएगा। और यहाँ पे भाई काफी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको क्योंकि जब ये ग्लोबल वर्जन में आएगा भाई, इस मार्क के ऊपर जो पीला पीला बताया था मैंने, यहाँ पे बहुत ज्यादा भसड़ आएगी। और ये कच्चादारी बोट को भी पेल दिया गया, कचरा बिल्कुल, 2010 का बोट है भाई, इतना पुराना बोट, एक ये भाई 11 साल पुराना बोट है, कहाँ से आएगा भाई, कौन मार रहा भाई, कौन है भाई ये, अरे यार ये तो खत छोड़ो भाई, इसे छोड़ो, कचरा है। तो गाइस हमारी फ्लेयर गन आ चुकी है और अब देखते हैं फ्लेयर में आखिर है क्या। तो भाई इसे खोल के देखते हैं, तो भाई लूट तो एक नंबर है, मतलब जहर, ओके 2 गन आएगी डेफिनेटली भाई, 3 गन आई है इसके अंदर भाई, काफी खतरनाक है। एक तो एक्सट्री वेपन था और साथ में हमको मिल चुका है भाई पावर आर्मर, ठीक है। और इसको मारते, इसको प्यार से मारेंगे भाई, ये लो भाई कितने मुन्ना भाई की तरह मारा, बिल्कुल मोदा लेटा के रगड़ दिया भाई सरसों का तेल इसकी तन पे। तो भाई देखो फिलहाल हम इसको ले लेते, ये तो लूट लेते भाई, और सीधे चलते भाई ये काफी खतरनाक जगह जो कि भाई आपको मैप में दिख रही होगी येलो कलर की छोटी सी जो है। तो ये मैप में आपको काफी जगह मिल जाएगी और यहाँ पे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बनते हैं भाई रोबोट, ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे आप बना सकते हो। और यहाँ पे आपको सीधे चलते और चेक करते। तो भाई फिलहाल हम एक चीज खरीद सकते क्योंकि हमारे पास इनफ ब्लू प्रिंट्स है। तो ओके मैंने पैर ले लिया भाई, भाई मैंने टांगे ले ली, और तीनों पार्ट्स होना बहुत जरूरी है तभी आपका रोबोट जो है भाई उड़ पाएगा। और यहाँ पे जो मैं कोशिश कर रहा था वो बेसिकली ग्लास को ब्रेक करने की कर रहा था, जो कि अभी नहीं होगा, जब आपका रोबोट कंप्लीट हो जाएगा तभी आप उसको भाई ब्रेक कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया, ठीक है। तो फिलहाल तो भाई हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिलहाल सीधे निकलते यहाँ से भाई यहाँ पे और आके इसे तोड़ेंगे, बदला लेंगे भाई इस हरामखोर से। इसी के साथ गए जब सीधे पहुंचते दूसरी वाली जगह भी, तो यहाँ पर भी वही सेम वही है, तो आप कोई भी जगह उतर जाओ भाई सेम ही लूट नहीं मिलने वाली आपको येल्लो वाले मार्क के ऊपर। तो इसे भी हमने चला दिया जल्दी, देखते भाई यहाँ पे क्या आया, तो फटाफट देखते हैं इसकी वाली ड्रॉप में क्या आएगा भाई, उम्मीद करता हूँ भाई दूसरा पार्ट मिल जाए। तो ये भी आ चुकी है भाई हमारी, ओके गाइस, तो ये क्या है भाई, ओके भाई M249 और AW, और अपन को आर्म भी मिल चुका है भाई, अपना हाथ मिल चुका है। अब देखो ये देखो क्या उड़ा, उड़ने के लिए बताता हूँ आपको क्या करना है, आपका जो नॉर्मली जंप बटन है ना उसी को बस दबाना आपको 2 बार, ठीक है। कभी कभी तो मतलब ये 1 बार में भी हो जाता है, पर कभी पता नहीं बस इसका पेट्रोल खत्म हो जाता है बेचारे का, आयरन मैन है यार, सस्ता है, थोड़ा तेल डाल के चलता है भाई इधर से उधर तक। सो गाइस देखो, आप देखो लंबा उड़ाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, ओ भाई सुपरमैन पंच है, ये सुपरमैन पंच भी बताऊंगा आपको। ये देखो भाई क्या जा रहा है यार, 1 नंबर लग रहा है भाई कसम से, भाई बहुत शानदार लग रहा है ये, जब ये आएगा ना ग्लोबली मतलब बंदे उड़ उड़ के मारेंगे भाई, काफी मजा आएगा। तो अब फिलहाल हम आ चुके भाई तोड़फोड़ मचाने, और तेरी तो 1 सेकंड रुको, ये ले बेटा, अरे ये ले, ओ ये, ओ भाई अपर कट, ओ ये जैब, ओ ये राइट अपर कट भाई, तोड़ दे सब कुछ, ओ भाई इसके अंदर भी ड्रॉप मिलेगी, ओके 8x मिला। और ये बॉक्स की तो हम बात कर चुके थे पहले 2 पार्ट्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप उन्हें भी जरूर देखना गाइस। इसी के साथ गाइस हम फायर भी कर सकते हैं, आपको ये भी पता था भाई, फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो भाई जल गया बिल्कुल, जल जीरे की तरह। सो गाइस देखो अब यहाँ से सीधे निकलते और आके बाकी की चीज़ों की बात करते हैं जो कि थी भाई अपनी ड्रॉप वगैरह, पर इससे पहले इसको जला के कोशिश करते हैं। तो जला तो नहीं भाई, ठीक है जला तो नहीं, और ये तोड़ते, हाँ तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना है आपको, इसके तोड़ने के लिए आपको इस जगह खड़ा हो जाना है और आपका जो नॉर्मली फायर बटन है उसे होल्ड करना है, 1-2 सेकंड तक होल्ड करो उसके सामने, और भाई उसको बचका देगा, बहुत बुरा तोड़ेगा यार, बहुत खतरनाक तरीके से मारता भाई, बहुत ही जल्लाद आदमी। इसी के साथ गाइस हम सीधे चलते आगे और देखते, पर फिलहाल 1 सेकंड रुको यार, बुटिया को मार दो, 1 सेकंड रुको, पेल दिया भाई ये बिटिया तो, GPE 93 क्या गजब के नाम है, मतलब जहर। और एक और आ गया भाई देखो, सनसनाता हुआ खबर लेके आया, 1 सेकंड रुको, लेफ्ट में आया मेरे, ए भाई लेफ्ट में देखा,
ओके गाइस, तो देखो ये तो पहले जा चुके हैं बेचारे नादान मासूम बच्चे, भाई इनको तो मान ले मजा नहीं आ रहा, पर ग्लोबल में डेफिनेटली मजा आएगा। और अब चलते हैं भाई सीधे ड्रॉप के ऊपर। ये देखो नॉर्मल ड्रॉप दिख रहा होगा आपको, पर ये नॉर्मल से थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर भी दो वेपन आने वाले भाई, अभी आपको दिखाता हूँ, जल्दी क्लोज चलते और उड़ उड़ के जाएंगे भाई। देखो यार सच में उड़ने की चीज तो मतलब गजब है, और उड़ के जो गोले बरसाऊंगा ना वो और भी गजब होगा, उसको भी आपको दिखाऊंगा, मतलब एंडिंग बहुत मजा आएगा आपको, तो एंडिंग तक भाई जरूर देखना इसको। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके M249 है और एक और ओके आर्म भी मिल चुका अपन को और एक एक्सट्री वेपन मिला, तो दो वेपन मिलेंगे तो नॉर्मल ड्रॉप से थोड़ा बेटर है डेफिनेटली, और कुछ पार्ट्स भी मिल जाएंगे। बस इस मोड में मेरे को दिक्कत क्या लगी, बेचारा पार्ट्स ही ढूंढते रह जाएंगे यार, क्योंकि छोटा सा तो मैप है, 50 बंदे होते, लिविक वैसे ही छोटा होता है यार, तो यही थोड़ा सा इश्यू है, वरना तो और वो देखो क्या कैसे उड़ रहा है भाई, मतलब घर का माहौल है ना जैसे बिल्कुल। सो गाइस हमने पूरी कोशिश करी कि जितने भी यहाँ पे भाई पूरे शहर के अंदर जितने भी ये है भाई सारी मतलब बैंक रोबरी कर डाली, सब कुछ फोड़ डाला, सारी चोरी कर डाली और सब कुछ मतलब उखाड़ डाला। इसी के साथ इसकी बात करूं तो भाई इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपको भाई एनिमी की लोकेशन बताता है, ठीक है, तो इसके बारे में मतलब आपको जानना है तो आपको दूसरी वीडियोस भी देखनी पड़ेगी। सो गाइस इसके अंदर बाकी तो कुछ बचा नहीं था भाई, ये उड़ना ही आपको दिखाना था, जो कि काफी कूल काफी खतरनाक जहर लग रहा है, और सामने दंगे हो गए। एक सेकंड रुको, विवाद हो रहा भाई, गोलियां चल रही, रुको। ओ भाई यहीं खाइए यहां पे, और यार मचका दे भाई, लास्ट पटक दी, मर गया भाई। देखो इंसाफ मिल गया भाई सफेद कपड़े वाले अंकल जी को तो, और अब फीते उड़ के चलते हैं भाई, उड़ के जाएंगे भी, पैर तो रखते ही नहीं हम तो, इसका बेचारे का पेट्रोल खत्म हो जाता है, वरना तो मैं सारे दिन उड़ता रहूं भाई आसमान में तितली की तरह। सो गाइस इसके अलावा भाई सच में कुछ नहीं, ठीक है, पर यहाँ पे गाइस हमने सोचा कि रेस लगाते कौन जीतेगा, पर भाई मैं ही जीतूंगा, मैं आगे पहले भागा हूँ भाई, गन चलाई नहीं मैंने और पहले भाग गया, यही तो स्वैग ऐसे ही करता था मैं स्कूल टाइम पे भी, सबको ऐसे ही हराता था। तो गाइज ये तो मतलब बस यही फालतू की चीजें कर रहे थे, और आपको दिखाता हूँ, ये देखो सुपरमैन पंच, बेड़ा तेरी तो आजा, ये ले बेड़ा भाई, बच गया एक सेकंड रुक, तेरी तो ये ले बेड़ा भाई, पड़ी उसके खींच के अब आजा, पॉइंट ही नहीं कर पाएगा भाई, आगे चल रहा हूँ। सो गाइस देखो जैसा कि मैंने बोला था भाई, बंदे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, और ये तो बीटा वर्जन था, इसमें बहुत और भी जल्दी खत्म हो गए, ठीक है, तो मतलब एक बंदा बचा है बेचारा, गोलियां चला चला गया, परेशान हो गया, बोला भाई मेरे को भी भाई घर जाना है, तो फिलहाल इसको भी मुक्ति दे देते हैं भाई, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई अलग स्वैग में मुक्ति देंगे, ठीक है, वहां पे खड़ा है वो, अभी उड़ के गए और ये ले बेड़ा। ओके गाइस सो देखो इस बोटू को तो हमने फ्री कर दिया भाई सही समय पे, ठीक है, 8 बज गए थे, बेचारी के नौकरी का टाइम हो चुका था, और ये देखो भाई पैन लेके भी उड़ सकता है भाई, ये काफी मतलब खतरनाक चीज है, और पैन को थ्रो भी कर सकता है, ठीक है, अब फेंक के आपको दिखाता हूँ कैसे फेंकता है भाई, ये देखना, और ये ले बड़ा, और भाई ऐसे कोई किल आ जाए ना भाई, मतलब कसम से मजा आ जाएगा यार, कमेंट सेक्शन में ए भाई ये कैसे आया भाई, डरा दिया बिल्कुल। हाँ भाई तो मैं बात कर रहा था भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर ऐसा कोई पैन वाला किल आ जाए तो कितना मजा आएगा, मतलब जहर। तो फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर रहे थे भाई, ये दूसरे मैच की रिकॉर्डिंग है जहाँ पे हम भाई कोशिश कर रहे थे कि समुद्र क्रॉस हो जाए भाई हमारा, ये तो देखते भाई होएगा कि नहीं भाई, उम्मीदें तो फुल थी भाई, जोर लगा लड़का हमारा, ओ भाई नहीं हो पाया भाई, भाई बिल्कुल नहीं हो पाया भाई। तो गाइज ये तो बेचारा इतना लंबा क्रॉस नहीं कर सकता, इतना इसका पेट्रोल था भाई, और एक को बार ट्राई कर, एक को बार ट्राई करते, ओ भाई नहीं हुआ यार, बदतमीज आदमी। सो गाइज एट द एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो यार लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनको भी बताना भाई नया बोर्ड आने वाला है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पर न्यू हो तो, और घंटे को पकड़ के हिला हिला के तोड़ देना, ठीक है, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इस। नानी? उमाए वा, मो सिंदे इरु।